हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टैक्स ऑन वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज अंकुर जी। अंकुर जी को आप जानते हैं, आपने इनको हमारे साथ आरवी 400 और 300 की वीडियो में देखा था। सारी जानकारी अंकुर जी ने आपको दी थी। तो आज एक बार फिर से मैं रिवॉल्ट मोटर्स पर आया हूँ, पीटवीआर वाले शोरूम पर। तो अंकुर जी आज फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है कोई प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, प्रोडक्ट के जो आपने क्वारी पूछी थी प्रोडक्ट के ऊपर आरवी 300 और 400 के बारे में, तो उन्हीं सब क्वारीज को, उन्हीं सब क्वेश्चन को आज मैं अंकुर जी के पास लाया हूँ। तो ये वीडियो एक छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर वाला होने वाला है, क्यों आप कैसे कह सकते हैं। तो आपके जो सारे सवाल थे हमारे, जो आपने जितने भी कमेंट्स किए थे, उसमें से कुछ 10-12 सवाल मैं लेके आया हूँ, और वही सब आज कुछ हम अंकुर जी से पूछेंगे। और आपकी सारी जो इसमें थोड़ी जो भी आप कह सकते हैं, जो आपकी परेशानी थी, आपके क्वेश्चन थे, क्वारी थी, वो आज सभी दूर होने वाले हैं। तो सभी पॉइंट्स पे आज सारी क्लेरिफिकेशन अंकुर जी आपको देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ 10-12 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा, उन्हीं में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी आपकी बार। तो अंकुर जी स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो दोस्तों स्टार्ट करें, कुछ 10-12 क्वेश्चन है और सारे सब चीज सबका आंसर पूरा खुल के देंगे, पूरा आपको क्लैरिफाई करके देंगे। तो कोशिश करूंगा कि आपकी सारी जो क्वेरी इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और पहला क्वेश्चन मैं आप पूछता हूँ। अंकुर जी रेडी? जी सर। अंकुर जी, पहला क्वेश्चन था हमारे सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर का, कि दोनों बाइक्स जो है आपकी आरवी 400 300, वो कितना रेंज दे देती है? सर, इको मोड रहती है, तीन मोड रहती है, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स, पहली मोड जो रहती है वो इको मोड रहती है। इको मोड पे अगर आप बाइक को ड्राइव करेंगे तो 25 की स्पीड रहेगी और 180 किलोमीटर कवर करेगी आरवी 300। आरवी 300 जी सर। अब बात करते हैं सर नॉर्मल मोड की। नॉर्मल मोड है जो आपकी टॉप स्पीड रहेगी उसमें 45, ओके, और 110 किलोमीटर कवर करती है उस मोड पे, स्पीड रहती है 45। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की। स्पोर्ट्स मोड पे आपकी टॉप स्पीड रहती है सर 65 पे किलोमीटर कवर करेगी वो 80। ओके। वन टाइम चार्जिंग रहती है आपका, 4.5 आवर में फुल चार्ज हो जाती है 0 से 100%, और किलोमीटर कवर करती है 180 किलोमीटर। जी सर। ये सारी स्पेसिफिकेशन थी आरवी 300। अब 400 के बारे में, आरवी 400 की बताता हूँ सर। वो भी सेम टाइम चार्जिंग रहती है, 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे में चार्ज होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम करती है वो 4 यूनिट कंज्यूम करती है एक बार चार्जिंग में। उसकी पहली मोड होती है इको, इको पे टॉप स्पीड रहेगी उसकी 45 किलोमीटर चलेगी वो 150 किलोमीटर, लेकिन डिपेंड करता है राइडिंग पैटर्न कैसा है, बेसिस उसी पे ज्यादा यूज करनी होती है। हाँ बिल्कुल। दूसरी मोड रहती है सर उसमें नॉर्मल पे जो टॉप स्पीड रहती है उसकी, वो रहती है सर 65, उस पे किलोमीटर कवर करती है 100 किलोमीटर। तीसरी मोड रहती है सर स्पोर्ट्स मोड पे हाइब्रिड कवर रहता है, 80 की स्पीड रहेगी और किलोमीटर को अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर कवर करेगी। दोस्तों ये थी रेंज के बारे में, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि अंकुर जी ने काफ़ी क्लैरिफिकेशन से सारा क्लियर कर दिया है, सब कुछ एक एक पॉइंट उसमें बता दिया किस रेंज में, किस मोड में वो कितना रेंज देगी। जी सर। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो अंकुर जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स का था कि अगर हम गाड़ी लेने आ रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्या क्या लेके आना है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर, सबसे फर्स्ट एंड फॉर आपको बुक करनी होगी बाइक, आरवी 300 बाइक बुक होगी, वो 2999 से बुकिंग होगी। जो भी अभी हमारा लॉट चलता है सर, कंपनी की तरफ से लॉट होता है, अभी फिलहाल में जो बुक कर रहे हैं आरवी 300 2999 से बुक होगी, और जो लॉट चल रहा है वो हमारा नवंबर दिसंबर का चल रहा है। अंकुर जी, यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जैसे जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, गाड़ी में स्टार्टिंग में चालू हुआ था, तो सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आप क्या कस्टमर को अब भी ऑनलाइन बिल्कुल करेगा शोरूम जाके? हाँ जी सर, मैं बताता हूँ सर, दो ऑप्शन है, कस्टमर ऑनलाइन भी बुक कर सकता है, हमारे शोरूम से भी जो बुक होती है वो सर ऑनलाइन ही बुक होती है। तो सेम रीजन है कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, आप प्रोसेस सेम है, अगर वो शोरूम विजिट करेंगे तो आप उनके लिए गाड़ी बुक करके दे। जी 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 जी। बाकी सर मैं बताता हूँ, आरवी 400 वो 3999 से बुक होगी, लॉट सेम रहेगा नवंबर दिसंबर। बाकी डॉक्यूमेंट्स सर अगर दिल्ली के आईडी प्रूफ में बताऊँ तो सर कैश में लेने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड मैंडेटरी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स सर से यही रहेगा आधार कार्ड पैन कार्ड दिल्ली के आईडी प्रूफ में। सिर्फ हमें आधार कार्ड पैन कार्ड ये दो चीजें चाहिए, जी कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए अगर वो आपको अपनी गाड़ी बुक कराने आ रहे हैं। हाँ रहे हैं। ठीक है। तो अंकुर जी, ये तो आपने बता दिया। हाँ जी। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर बंदा अदर स्टेट का है जहाँ पे गाड़ी के शोरूम अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए वो कैसे गाड़ी परचेज कर सकता है और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? जी सर, मैं बताता हूँ, सबसे पहले ना उनको भी फर्स्ट फॉलो बुक करनी होगी, आरवी 400 आरवी 300 जो भी उनका प्लान होगा, बुकिंग चार्जेस रहते हैं उससे बुकिंग करनी होगी। लेकिन अभी हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है टीसी नंबर, अगर कोई भी अदर पर्सन अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो हम उनको टीसी नंबर पर बाइक देते हैं, अगर वो अदर स्टेट के लिए भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपनी बाइक पर।
तो रजिस्टर उन्हें ही करानी पड़ेगी अपने स्टेट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्हीं को करानी है। यहाँ से गाड़ी उनको टीसी नंबर पे हम दे सकते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? उनके लिए सर मैं बता दूं, उनका डॉक्यूमेंट लगेगा सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। बाकी हम यहाँ से उनको सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फॉर्म 20, फॉर्म 21, बाकी आरसीटीसी नंबर और फिर आपका टैक्स इनवॉइस होता है, इनवॉइस रहते हैं, सारे हम यहाँ से डॉक्यूमेंट देते हैं। ओके, उन्हें सिर्फ आ जाके रजिस्टर करवाना। हाँ जी जी, वो अपनी अथॉरिटी से जाके आरटीओ ऑफिस से रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो अंकुर जी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है जी सर, तो इलेक्ट्रिक सुनते ही लोगों के माइंड में आता है कि सब्सिडी कैसे उस पर मिलती है और कितना मिलता है, क्या इसका प्रोसेस है? हाँ मैं बताता हूँ सर, आरवी 400 है जो सर हमारा कंपनी का बेस प्राइस है वो है 160,000। 160,000 जी, 160,000 रुपये में क्या होता है सर, भारत सरकार जो सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो 32,000 रुपये की सब्सिडी देती है, और जो अभी हमारी कंपनी इनोग्रल डिस्काउंट दे रही है जो कस्टमर को, वो 19,000 का एक डिस्काउंट दे रही है। ओके, उसका बेसिक माइनस करके सर जो एक्सोरूम बनता है वो 1,08,999 का बनता है आरवी 400 जी सर। ओके, बात करते हैं आरवी 300 की सर। आरवी 300 जो बेस प्राइस इसका है 1,35,000 रुपए, उसमें सर जो बारिश सरकार सब्सिडी देती है वो 27,000 रुपए की सब्सिडी देती है, और हमारी जो कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है इनोग्रम वो 18,000 रुपए का एक डिस्काउंट अपनी तरफ से भी पर्सनल। जी 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 बिल्कुल सर। तो दोस्तों सब्सिडी आपका जो डिस्काउंट मिलेगा 32,400 पे और 27,300 पे जी सर, और कंपनी डिस्काउंट आपको अलग से मिलेगा 19,000 और 18,000। तो ये कंपनी डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो आप उसमें से लेस करेंगे तो एक्सोरूम प्राइस सर ने बताया जी 400 का 1,08,999, आरवी 300 का 89,999 ये है एक्सोरूम प्राइस जी। अगर आपको ऑन रोड कंफर्म करना है प्राइस, तो आप शोरूम पर विजिट करके इन पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपना एग्जैक्ट प्राइस कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों और भी कोई क्वेरी तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, अंकुर जी आपको शोरूम जी देंगे, तो आपकी सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे। अंकुर जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। ओके अंकुर जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो काफी पर्सन हमसे पूछ रहे थे हमारे व्यूअर्स की गाड़ी को अगर फाइनेंस करवाए इंस्टॉलमेंट कराए तो किस तरह मिल पाएगी, या अगर कोई कंप्लीट कैश दे सकता है तो वो कंप्लीट कैश दे के भी ले पाएगा, या सिर्फ इंस्टॉलमेंट का ही ऑप्शन है पहले की तरह? जी 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 सर, मैं बताना चाहूंगा सर, हमारी कंपनी ने दोनों ऑप्शन रख रखे हैं, आप ईएमआई पे भी ले सकते हैं और वन टाइम पेमेंट पे भी ले सकते हैं। जैसे ईएमआई का प्लान बना रखा है हमारी कंपनी ने, वो 3999 है आरवी 400 का, और 39 मंथ के लिए आपका एक फिक्स प्लान ऑल ओवर इंडिया एक ही प्लान बना रखा है हमारी, एक ही प्लान है, एक ही प्लान है। बाकी उसके लिए आपको 3999 से बुक करनी होगी, बाकी आपको जो फाइनेंस के लिए डॉक्यूमेंट देने होते हैं सर वो रेजिडेंसी जैसे अभी मैंडेटरी दिल्ली के लिए है, वो फाइनेंस हम दिल्ली के एडीपी ही कर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की। अगर सर कोई भी पर्सन है वो सैलरीड है तो उसकी सैलरी स्लिप लगेंगी थी, डेट्स हम उस पर करा देते हैं उसका फाइनेंस। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरा इसी के ऊपर, जैसे भी आपने बताया अगर वो सैलरीड है जी, अगर किसी का अपना छोटा सा कोई बिजनेस है, मान लो किसी की शॉप है या कोई भी अपना एक पर्सनल बिजनेस कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? वो सब मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा सर, उसके लिए जैसे बंदा पर्सनल अपनी बिजनेस करता है कोई भी, तो उनको एक मैंडेटरी रहता है कि बिजनेस प्रूफ देना होगा, जैसे कि उनकी आईटीआर होगी या फिर उनका जीएसटी नंबर, उसको प्रोवाइड करके बिल्कुल इजीली गाड़ी फाइनेंस करा जी सर, बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन कोई अदर स्टेट का पर्सन यहाँ से आपसे फाइनेंस जी जी जी, वो उनके लिए ऑप्शन रहता है सर, वन टाइम पेमेंट, वो कैश में ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं लेकिन पेमेंट वन शॉट उन्हें करना पड़ेगा। जी जी जी। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा और बढ़ते हैं अंकुर जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दोनों गाड़ियों पे कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है? मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल में जो आरवी 300 या आरवी 400 कोई भी बाइक बुक करते हैं तो अभी हमारा जो लॉन्च चल रहा है वो सर नवंबर या दिसंबर है। दिसंबर जी सर। तो कितने टाइम में उनको मिल जाएगा? हाँ जी जी जी, अभी बुक करते हैं फिलहाल में, प्रेजेंट की ही वेटिंग रहती है। प्रेजेंट की वेटिंग जी, मतलब अगर वो आज बुक करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे वो आज बुक करते हैं, जैसे आरवी 300 या आरवी 400 कोई भी दोनों मॉडल में से एक भी मॉडल वो बुक करते हैं, तो जो बुकिंग आईडी होती है सर उसमें आपका पीरियड आ रहा है मंथ में नवंबर या दिसंबर, तो हो सकता है सर नवंबर में कभी भी मिल जाए, दिसंबर में दिसंबर में नवंबर जी मिल जाएगी जी सर। तो अंकुर जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे व्यूअर्स का, काफी लोग कंफ्यूज हैं, जैसे आरवी 300 में बिजनेस सिस्टम नहीं लगा जी जी, आरवी 400 में आप में स्पीकर लगा हुआ है तो अलग अलग तरीके की आवाज आती है जी जी, अगर कोई चाहे कि हम आरवी 300 में वो सिस्टम लगवाना चाहे वो लगवा सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारी आरवी 400 प्रीमियम मॉडल है उसमें साउंड का ऑप्शन दे रखा है सर, उसमें आपका एक ऑप्शन रहता है म्यूट भी कर सकते हैं, उसे साइलेंट चला सकते हैं, बाकी सर उसमें चार साउंड रहते हैं कस्टम साउंड, आप एप्लीकेशन होती है माई रिवॉल्ट प्ले स्टोर से
किसी भी रजिस्टर्ड कस्टमर को मिल जाएगी, वहां से ना वो रजिस्टर्ड करके उसके साउंड भी चेंज कर सकते हैं, चार साउंड है एप्लीकेशन के थ्रू एनी राइट कभी भी वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है सर आरवी 300 में, ऑप्शन दिया है कंपनी ने, एक की दिया है, लेकिन हाँ वो लगवा सकते हैं, उसके चार्जेस अलग रहते हैं, वो आप सर्विस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, आरवी 300 में भी लग जाएगा, ऑप्शन है कि हाँ जी लग सकता है। जी जी जी। तो दोस्तों आपका ये क्वारी भी रिजॉल्व हो गई है, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकुर जी हमारा अगला क्वेश्चन ये है, काफी लोगों ने भी पूछा कि बाइक के साथ कोई एसेसरीज मिलती है। जी सर मैं बताता हूँ, बाइक के साथ एसेसरीज में बस काफीएस का हेलमेट मिलेगा जो बाइक रजिस्टर्ड हो, बिग चार्जर जी, बाकी एडिशनल हमारे पास एसेसरीज हैं, बैग हैं, स्लिंग बैग्स हैं, सीट है, सीट कवर्स हैं और हेलमेट ब्लूटूथ, वो सब अलग से परचेस करने पड़ेंगे। एडिशनल है वो चार्जेस, लेकिन जो बाइक के साथ फ्री आएगा हाफ फेस हेलमेट विद चार्जर, सिर्फ हाफ फेस का ऑप्शन है, फुल फेस भी ले सकते हैं। नहीं मैं बताता हूँ सर, हाफ फेस का ही ऑप्शन है, बाइक के साथ हाफ फेस ही मिलेगा, एडिशनल में हमारे पास फुल फेस हेलमेट है, एडिशनल ले सकते हैं। जी लेकिन गाड़ी जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है वो हाफ फेस का। अंकुर जी अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है जी, तो अगर हम नॉर्मल होते हैं तो नॉर्मल गाड़ी को घर में इजीली धो लेते हैं जी, या इस गाड़ी को हम घर में वॉश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, अपने बाइक को जैसे कि आपने परचेस की है तो उसे आप नॉर्मली वॉश कर सकते हैं, फुली वाटर प्रूफ IP67 से सर्टिफाइड है हमारी जो बाइक, नॉर्मली आप वॉश कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कैसे भी, इसलिए घर में जी वॉश कर सकते हैं। कुछ ऐसा पार्ट है कि जिसको कवर कर ले या कुछ ऐसा कुछ मैंडेटरी है? नहीं नहीं ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है, कोई भी नहीं, इजीली आप वॉश कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्त अभी उनको से अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हमने वॉश का तो चलो हमने घर में वॉश कर लिया, हम काफी एहतियात से वॉश कर लेंगे, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं, बारिश आ गई, रेनी सीजन में गाड़ी में नीचे से भी पानी लगता है चलाने, तो रेनी सीजन में गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करेगी या किस चीज़ों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए? मैं बताता हूँ सर कि ये जो भी रेनी से है, रेनी से भी हमारी सर्टिफाइड है, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आती बारिश से, या बारिश हो या फिर आप भरे हुए पानी में ले जा रहे हैं भाई, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आती है। इवन जैसे हम चल रहे हैं अचानक बारिश आ जाए तो ऐसा हाँ, नहीं कि हमें रुकना पड़ेगा, इसमें कोई स्पीड लिमिट भी है, इतने लिमिट में करें या फिर आप अंकुर जी अगला क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स का था, जो RS 400 में पुश स्टार्ट बटन आता है तो वो कितना रिलायबल है, क्या वो छोड़ने के लिए इजी है, अगर कोई अपनी गाड़ी बाहर छोड़ के चले जाते हैं तो वो इजीली स्टार्ट हो सकती है? उस पर भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी डबल माइंडेड है। जी जी जी। मैं बताऊंगा पावर बटन जो पुश बटन है सर उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो पुश बटन है उसमें एक रेड लाइट इंडिकेट करती है, बिल्कुल वो तभी ऑफ होती है जब आप अंदर से MCB डाउन करेंगे, उसे आप रेड लाइट को भी बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। दूसरा रहता है अगर पुश बटन से आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आप रिमोट से अनलॉक करेंगे उस चीज को, रिमोट से अनलॉक करेंगे देन आप पावर बटन से स्टार्ट कर सकते हैं, पावर बटन से बंद कर सकते हैं, तो चोरी का कोई सवाल नहीं उठता है सर वहाँ पे, क्योंकि कस्टमर अगर अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ी करके भी जाता है तो 9% कोई भी इसे स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास रिमोट है तभी वो गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदर नहीं। हम कोशिश करते हैं आपको रिमोट भी दिखा दें। जी सर। हाँ जी सर मैं बताना चाहूँगा, रिमोट रहता है इसमें चार ऑप्शन रहते हैं सर। ओके। एक आपका रहता है नेविगेशन, जैसे आपकी कहीं पार्किंग में बाइक खड़ी है तो आप उसे पता इजीली पता कर सकते हो आपकी कहाँ, ये बीपिंग साउंड करते हैं सर इसे प्रेस करने पे। एक अगर मल्टीपल बाइक खड़ी है एक जगह तो आप इसका बटन करेंगे तो बीप कर जाएगी, आपको इजीली पता चल जाएगा आपकी बाइक की साइड खड़ी है कहाँ पे खड़ी है। बाकी दूसरा ऑप्शन रहता है सर स्टार्ट बटन का, इसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक रहता है सर अनलॉक का, जैसे कि पावर बटन की अभी बात चली थी पुश बटन की, तो कोई भी इजीली जाके बाइक को स्टार्ट कर सकता है, ले जा सकता है। ये रहता है सर अनलॉक बटन, जो भी आप इसे की प्रेस करेंगे सर तभी आप पावर बटन से स्टार्ट कर सकते हो, इसके अलावा आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों ये है वो रिमोट, तो ये अगर आपके पास है तो आपकी गाड़ी सेफ है, अगर ये आपके पास नहीं तो आपकी गाड़ी सेफ नहीं है, अगर ये आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी की पुश बटन के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी एकदम सेफ रहेगी। जी जी। बस आप इस रिमोट को संभाल के रखिएगा। तो अंकुर जी ये तो आपने बता दिया, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की वीडियो का। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या कंपनी अदर सिटीज में भी अपनी शोरूम लॉन्च करने वाली है? जी सर मैं इसके बाद बताना चाहूँगा कि अभी हमारी कंपनी रिसेंटली मुंबई में लॉन्च की है भाई, अभी शायद 2 या 3 दिन पहले ही हमारी कंपनी ने लॉन्च की है, बाकी आपके पहले हैदराबाद, चेन्नई और आपके पुणे मोस्टली मेट्रो सिटीज में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यूपी वगैरह में भी? यूपी में सर नेक्स्ट प्लानिंग है 2021 में यूपी में आने वाले। जी सर। और एनी अदर कोई मॉडल अपार्ट फ्रॉम अभी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नया मॉडल कोई भी लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों अगर कुछ भी आएगा तो आपको वीडियो में पता लग जाएगा, तो
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अंकुर जी ने कंप्लीट कोशिश करी कि आपके हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से जवाब दिया, पूरा उसको क्लैरिफाई करके जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं आपके भी सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।